अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम करेंगे सूरह इख़लास की मॉडर्न कैलीग्राफी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल रेड एक्रेलिक मेरीज कंपनी का। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसको आप इजीली जो है इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करें, बहुत कम वाटर ऐड करना है इसको जो है वो, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आप इसको कैनवास के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। Let's go.
इसको मैंने एक हैवी टेक्सचर लुक दिया है। आप ब्रश से एक दफ़ा जो क्रिस क्रॉस मेथड से आप जो है वो टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ब्रश को एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल मूव करें, एक दफ़ा वर्टिकल मूव करें, तो वो एक हैवी टेक्सचर जो होता है वो क्रिएट हो जाता है कैनवस के ऊपर। इसी मेथड से मैं पूरे कैनवस के ऊपर जो है वो बना लूँगी टेक्सचर। एक दफ़ा पूरा टेक्सचर बना लूँ फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। Have a look to the texture। इतना प्यारा टेक्सचर इसमें क्रिएट हुआ था, मुझे पूरी कैलीग्राफी में इसका जो टेक्सचर है वो फैसिनेट कर रहा था। एक कलर बहुत प्यारा था और दूसरा इसमें जो टेक्सचर क्रिएट हुआ है ना वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैं लिप लगाने के लिए, गोल्ड लिप लगाने के लिए लिपिंग ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बकवास ब्रांड था, मैंने इसी वजह से अपनी कैलीग्राफी का आइडिया चेंज किया था, क्योंकि मैं इस ग्लू को जब अप्लाई कर रही थी इसके ऊपर मैं गोल्ड लिप अप्लाई कर रही थी तो वो साथ में चिपक ही नहीं रही थी, वो जगह जगह से जो है वो रैप्चर हो रहे थे और इतना बुरी लुक दे रहे थे वो कि जिसकी वजह से मुझे अपना पूरा आइडिया जो है वो चेंज करना पड़ा। आप किसी भी पुरानी पैलेट में, किसी भी कंटेनर में इसको निकालिए। मेरे पास जो खराब पैलेट पड़ी हुई थी मैंने इसमें जो वो निकाली और इसको ब्रश की मदद से मैं कैनवस के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। वैसे इस कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ था कि आप इसमें जो है वो वाटर ऐड करें, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी पहले इतनी लिक्विडी थी कि अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर लेती तो वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो टोटली ख़राब हो जाती, और जो गोल्ड लीफ थोड़ा बहुत इसके साथ चिपक गया था वो वैसे ही नहीं चिपकता। गोल्ड लीफ इतने डेलिकेट होते हैं कि हम इन्हें जो है वो हाथ से पकड़ के या इसको वैसे हाथ से प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हम इसको हाथ से प्रेस करते हैं ये फट जाते हैं। इसको बहुत एहतियात से निकाल के किसी जहाँ पे ग्लू लगी हुई वहाँ पर रख के, किसी कार्डबोर्ड की मदद से, किसी ब्रश की मदद से आपने बस उसको हल्का हल्का प्रेस करना है कि ये ग्लू के साथ चिपक जाए। अगर इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो जैसे ही ऊपर हाथ रखेंगे वो हाथ के साथ ही पेपर जो है गोल्ड लीफ जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा, तो इसलिए इसको ब्रश की मदद से जो है वो बहुत हल्के से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए। सामान मदीने वाले, तू है सखी आका, सखी आका, तू है
गोल्ड लीफ को किसी भी सॉफ्ट ब्रश से, मेकअप ब्रश से जो है ये वैसे बहुत अच्छे उतर जाते हैं। मेरे पास ये भी जो था सॉफ्ट ब्रश था, मैंने इसलिए इसी से उतार लिए। ये इतने अगर आप देखेंगे इतने ख़राब ग्लू थी कि मैं जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा ग्लू उतार रही थी, गोल्ड लीफ उतार रही थी, उसके बजाय ये हर जगह से जगह जगह फट रहे थे और इतनी बुरी लुक दे रहे थे। मैं इसको जितनी दफ़ा ग्लू लगा के दोबारा से गोल्ड लीफ इसके ऊपर रख रही थी, वो साथ में चिपक ही नहीं रहे थे, वो लगे ही नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा जो था ना, वो एक बुरा सा उसमें क्रिएट हो गया था। वो फिर मैंने इसलिए इसको टोटली चेंज कर दिया। वैसे अगर हम गोल्ड लीफ से कैलीग्राफी करें ना, तो गोल्ड लीफ से अच्छी कैलीग्राफी होती ही नहीं है। इतनी अच्छी गोल्ड लीफ से कैलीग्राफी होती है, लेकिन ये ग्लू अच्छी ना होने की वजह से गोल्ड लीफ की कैलीग्राफी जो थी वो टोटली ख़राब हो गई थी।
ये मेरे पास एक परमानेंट मार्कर है, मैं इस परमानेंट मार्कर की मदद से जो साइडों पे छोटा छोटा सा जो है वो डिज़ाइन बना लूँगी और बाद में इस डिज़ाइन में कलरफुल से आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन एरिया था सुरह क्लास लिखने के लिए। अगर मैं इसको बनाती तो मैं इसकी जगह जो है वो इसको कलरफुल बनाती ताकि देखने वाले जो हैं वो सबसे पहले इसी को पढ़ें। यहाँ पे मैंने अपना आइडिया चेंज करना था, इसलिए मैंने जहाँ पर अल्लाह लिखा था मैं वहाँ पर दोबारा से जो है वो पेंट कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया था वो सही से हाइड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो प्राइमर इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास ये प्राइमर है, इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है, अच्छा प्राइमर है ये। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको इसी पे बना के बताऊँगी कि जो आपके पास पुराने कैनवस पड़े हुए हैं या ख़राब कैनवस हुए हैं आप दोबारा से उसको रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं प्राइम करके। तो मैंने जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन था वहाँ वहाँ पे मैंने प्राइमर लगाया और उसके ऊपर जब मैंने दोबारा पेंट किया तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे कि नीचे कुछ डिज़ाइन बना हुआ था या कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है वहाँ पर भी अभी नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर सेकेंड कोट किया पेंट का तो ये तो बिल्कुल छुप गया था, इसके ऊपर प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो परमानेंट मार्कर से डिज़ाइन बना हुआ था इसके ऊपर मैंने प्राइमर लगा के जब पेंट किया था तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। ये प्राइमर लगाने के बाद जब मैंने इसके ऊपर पेंट किया था तो वो बिल्कुल हाइड हो गया था, इसे पता भी नहीं चल रहा कि नीचे कुछ बना हुआ था। इसी तरह मैंने सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना हुआ था वहाँ वहाँ पर मैंने सारे पेंट कर दी थी।
जाऊं तो कहां जाऊं मैं, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, भर दे भर दे मेरे दाता मेरी झोली भर दे, अपना रख बेसन सामान मदीने वाले। मुझे अपनी कैलीग्राफी में ट्रांजिशन चाहिए थी, इसलिए मैंने इसके दोनों कॉर्नर्स थे जो थे वो फ्रंट वाले दो, सामने वाले जो दो कॉर्नर्स थे ऊपर वाले, वो मैंने ब्लैक कर दिए थे ताकि उसमें ट्रांजिशन क्रिएट हो। और मैंने चारकोल पेंसिल की मदद से मैंने आईक्राफ्ट सा आइडिया जो है वो कैनवस के ऊपर ड्रा कर लिया। यहाँ पर मैंने एक गोल सा सर्कल बनाया था, इसमें अब मैंने सोचा कि सूरह इख़लास में लिखती हूँ, और मैंने इसके ऊपर गोल्ड लीफ लगाया था क्योंकि ये एक एरिया कम था, इसके ऊपर एक ही गोल्ड लीफ लगा था। यहाँ पे मेरे से एक पार्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, स्किप हो गया। मैंने ब्लैक से डार्क कलर से जो है वो नीचे लफ्स लिखे हैं उसमें ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए, लफ्सों की ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए वो पार्ट स्किप हो गया। उसके बाद मुझे लाइटर शेड चाहिए था जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो मेरे पास पहले से पर्पल रेड मौजूद था मैंने उसमें वाइट कलर ऐड किया और उस पर्पल रेड से थोड़ा लाइट शेड जो है वो बना लिया। और इसके ऊपर मैं एक जो है वो लफ्स जो है वो लिख लूँगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आराब लगा सकते हैं, कुछ भी आपके जो जहन में हो आप वो लिख सकते हैं। सर हो नबी का संगे दर हो, इबादत हो तो
इतनी मोतबर हो, मेरा सर हो नबी का संगे दर हो, सरे आका पे ऐसे जान निकले, जुबा पर नाम गुंबद पर नजर हो, मेरी आहू में यारब ये असर हो।